बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम जब रूफ गार्डन में एंटर होते हैं, ये जो वॉल है दरवाज़े के फ़ौरन बाद, इसको हम वुड वर्क से कवर करेंगे। ये जो चील की लकड़ी है, चील के दरख्त हैं, इसके जो छोटे होते हैं या जो इसका एक्सटर्नल पोर्शन होता है 1.5 इंच वाला, इसको इससे कवर करेंगे ताकि ये सारी बिल्डिंग जो है एक नेचुरल लुक दे। और ये जो सिटिंग एरिया है, इसके वहाँ पे जो सामने वाली साइड है, यहाँ पे दीवार होगी बड़ी 6 फुट की। इस दीवार को थोड़ा ऊंचा करेंगे, इसमें एक आबशार होगी जो इधर से उधर तरफ जा रही है। सेंटर वाले पोर्शन में आबशार के ऊपर ये जो वॉकवे है, इसके ऊपर ये शीशे ग्लास लगा होगा। ग्लास के नीचे पूरी ये वादी थी और ये जो चश्मे होते हैं, पानी नीचे से जाता हुआ नज़र आएगा। ये जो बेंच हैं, इनके ऊपर वुड वर्क की बेंचिंग होगी, लकड़ी के बेंच बने। एक इस वाले कोने पे, एक उस वाले, ये जो चारों कोने हैं हमारे बिल्डिंग के, यहाँ पे 20 फुट ऊंचा आर्टिफिशियल चील का दरख्त बनाएंगे। और ये जो प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन ऐसे ही होगी नेचुरल, और जो है बिल्कुल जो मरी का व्यू देगी। और ये वाला जो कोना है, इस कॉर्नर के ऊपर हम आइस स्केटिंग टाइप एक माउंटेन बनाएंगे, नेचुरल माउंटेन, 6 फुट ऊपर, 7 फुट ऊपर, और बिल्कुल वाइट होगा। उसमें आइस स्केटिंग और आइस बर्फ़बारी का, एक स्नोफॉल का जो है ना, इसमें व्यू नज़र आएगा इस कॉर्नर में। फिर ये जो वाशरूम है हमारे, ये बहुत छोटे हैं, इन दोनों की जगह एक ही वाशरूम होना चाहिए और एक वाशरूम और भी बनना चाहिए। और इसके बाहर जो है वेंटी लगा के, यहाँ 2 वाशरूम बन जाएं और इस जगह पे वेंटी लगा के, तो आप इसको वेंटी बेसन वगैरह लगा दें, वहाँ पे वुजू के लिए भी जगह हो जाए थोड़ी सी। फिर ये जो कॉर्नर है हमारा, इस कॉर्नर के ऊपर भी एक दरख्त होगा आर्टिफिशियल चील का। और इसके भी साथ हमें थोड़ा सा, ये जो फाउंटेन है मेरा ख्याल है, फाउंटेन की जगह हमें इसे माउंटेन बना देने चाहिए, पहाड़ी कोई नेचुरल। या जो प्लांटर है, इसे ख़त्म करके इस कॉर्नर पे एक नेचुरल सा पहाड़ी सी, बड़े बड़े पत्थर रख के, छोटे मोटे ला के, जो यहाँ का नेचुरल वो व्यू दिखाएंगे। फिर ये जो जगह, ये जो ब्लॉक, ये जो हमारी बिल्डिंग है, लिफ्ट है, लिफ्ट वेल है, और ये टैंक के सामने वाला एरिया, इसको एक दफ़ा और हम कवर कर लेंगे, इसके ऊपर सिटिंग एरिया होगा। और ये जो हमारा ओवर टैंक है, ओवर टैंक के ऊपर एक और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा, ओवर टैंक के ऊपर एक और मोटर लगा के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनेगा। ये इन सब चीज़ों पे वर्किंग कर लेते हैं।